ladies and gentlemen, boys and girls, स्वागत आप सबका. मेरा नाम है ओशन शर्मा. एंड पीएमएस की कंपटीशन बहुत ज्यादा जोरों शोरों पर चली रही है. बहुत टीम्स अपना एक तरीके से एग्रेशन दिखा रही हैं. कुछ टीम्स का एग्रेशन डिप डाउन हो रहा है, कुछ टीम्स का एग्रेशन ऊपर आ रहा है. ऐसे में एक टीम है पीजीएस एक्स, इनके प्लेयर्स से हम लोग बात करेंगे. जानेंगे कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू हर एक उस गेम के लिए क्या क्या रहता है. कितने टाइम से आपकी टीम फॉर्म्ड है, वहां से कैसे आपकी जर्नी रही है पूरी की पूरी टीम की. मेरी टीम फॉर्म हुई थी 2 महीने पहले अराउंड. हमने ट्रायल शुरू किए थे, तो उसके बाद हमने 3-4 प्लेयर चेंज किए. तो उसके बाद हमारी टीम जब लगा कि कोऑर्डिनेशन बढ़ी है, तो हमने यही टीम रखी. गुची, मैं आपके पास आना चाहूंगा अगले सवाल के लिए. एंड जैसे कि अभी यू नो प्रेग्ना ने बताया कि 2 महीने पहले आपकी टीम बनी है, तो वो 2 महीने से अभी तक के सफर में आपने किस तरीके से जलब किया कि आपकी सिनर्जी बहुत बढ़िया हो चुकी है, वो क्या क्या चीजें रही है. सिनर्जी जैसे कि हम जो कॉल्स देते हैं उसके प्रॉपर बंदा बात सुनता है, और मतलब हम डरते नहीं है जहीं कहीं पे भी रश करना है, मतलब हम डरते नहीं है, डायरेक्ट रश कर देते हैं एक नॉक देके. नियाज, मेरा अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा. एंड क्वेश्चन ये रहने वाला है कि अभी तक जितनी जर्नी पूरी की पूरी रही है, लेकिन उसके बाद सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, बिकॉज क्वार्टर फाइनल्स में आपका गेम प्ले काफी ज्यादा बेहतरीन रहा है पूरी पूरी टीम का, तो आगे की जर्नी आप अपनी कैसे देख रहे हैं. अभी हमारा प्रैक्टिस डेली का हो रहा था, लाइक 2 महीने से हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं. T1 T2 जितने भी हमें कस्टम मिल रहे थे, जितने भी जहाँ पे भी हमको स्लॉट मिल रहा था, हम उसमें घुस रहे थे. हम ट्राई कर रहे थे, नए रोटेशन निकाल रहे थे, नए रोटेशन की प्रैक्टिस कर रहे थे. जितने भी गन स्किल है वो सब कुछ इम्प्रूव कर रहे थे अभी तक. तो अभी जो आगे की जर्नी होने वाली है हमारी, वो लोग हम बेस्ट देंगे. अभी जो चल रहा है, अभी अभी तक हमने बेस्ट दिया था, पर अभी बेस्ट देते जाते हैं. जैसे यू नो बड़ी बड़ी टीम्स के नेम्स हैं आपके अगेंस्ट जो कि खेल रहे हैं, तो कोई प्रेशर सिचुएशन फील होती है उनके अगेंस्ट खेलते हैं, या फिर आप अपना नॉर्मल गेम प्ले पर आपको भरोसा रहता है. सिचुएशन पे डिपेंड करता है. मोस्टली प्रेशर हम ट्राई करते हैं ना लेने का, लेकिन सिचुएशन पे है कि जैसे जोन आने वाला है और हमें एक नॉक निकालना है, तो वो प्रेशर रहता है कि कहाँ से एंगल लें और कहाँ से नोक निकालें और उस जगह को पुश करें अगर हमें जरूरत है पुश करने की. बाकी कभी भी प्रेशर नहीं रहता कोई भी बड़ी टीम को. अब जैसे कि टीम्स वगैरह हमने प्रेशर सिचुएशन की बात करी, तो रैगनार ने वो चीज बताया. आपके ऊपर वापस से मानना चाहूंगा कि जो अंडरडॉग्स हैं, जो नए नए नाव उभर कर आ रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है उनके गेम प्लेस के बारे में. देखा जाए तो मतलब काफी अंडरडॉग्स नाम आ रहे हैं हमें. जैसे पता है सेल्स जो अभी PMPL साउथ ईस्ट एशिया चैंपियंस हैं, वो भी एक अंडरडॉग से स्टार्ट करा था. जैसे और भी टीम्स हैं, मतलब मेनली जो टॉप टीम्स हैं उनका तो कंपटीशन है ही, पर एज अंडरडॉग हम ट्राई करते हैं कि प्रेशर ना ले और विदाउट प्रेशर खेले उनके साथ. वापस में नियाज आपके ऊपर आना चाहूंगा, कोई ऐसी स्पेसिफिक टीम है आपके माइंड में जिसको आपको लगता है कि जिसके साथ कम्पीट करके बहुत ज्यादा बढ़िया लगेगा. ऑब्वियसली तो जैसे हमारे क्वार्टर फाइनल्स हुए थे, तो वहाँ पे एक टीम आई थी टीम लूपस्टॉर्म, तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और वो और एक अंडरटॉप टीम थी. तो उन्होंने जैसे T1 के प्लेयर्स होते हैं और जो पहले से परफॉर्म करते आ रहे हैं उनके अगेंस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी. तो उनके अगेंस्ट हमारा रहेगा कि हम परफॉर्म करें. लाइक अगर कोई सिचुएशन हुआ जहाँ पर 4v4 या फिर 4v3 कोई भी सिचुएशन हुआ, हम ट्राई करेंगे उनको फिनिश करने का. एंड रैगनार, अब जैसे आपके बहुत अच्छे अच्छे फैंडम एक तरीके से निकल गए, आपके फैंस बन रहे हैं, तो उन फैंस के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो क्या मैसेज होगा. मैं उनके लिए एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि बिलीव इन अस, वी विल ट्राई आवर बेस्ट एंड वी विल डू इट. जी, और नियाज, इज देयर समथिंग एल्स जो कि आप अपने फैंस को बोलना चाहेंगे. सपोर्ट करते रहो गाइस, लद्दाख फॉर द विन, लेट्स गो. सो थैंक यू, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम सारा का सारा दिया यहाँ पर, अपने फैंस से डायरेक्टली बात करी, अपनी स्ट्रैटेजीज बताई, अपनी चीजें बताई, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा हम लोगों के सामने. एक बहुत अच्छा एक तरीके से ना माइंडसेट देखने को मिला आपकी टीम से, और वो माइंडसेट ऑब्वियसली आगे लेकर जाएगा ही जाएगा आपकी टीम को. तो इसी चीज के साथ मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ आपकी टीम को आगे जाने के लिए, पूरी जर्नी के लिए. एंड इफ देयर इज सम फाइनल मैसेज जो कि आप क्लोजिंग करना चाहें, तो इट्स ऑल योर्स. पेगासस फॉर द विन, पेगासस फॉर द विन.